हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग अपने जो आधार कार्ड हैं उसमें कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है यह आप कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको किसी भी सीएससी सेंटर या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यह आप स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन से, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो कैसे, तो इसी टॉपिक पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे। तो गाइस, इसलिए यह जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक है वह आपने पता कर लिया है कि नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आपको यहाँ पर सबसे पहले गूगल पर जाना होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना होगा। आधार कार्ड जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहली वेबसाइट आएगा uidaig.gov.in। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब गाइस आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसको मैंने डेस्कटॉप पर कर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा होगा, बट आप लोग जैसा कर चाहें आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा मैं बताता हूँ। आप ऊपर की तरफ जब इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विसेज का। तो गाइस, आपको आधार सर्विसेज वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इस पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लिखा हुआ है वेरीफाई एन आधार नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं। अब आप इसमें कन्फ्यूज़न कि इसमें कहाँ से आप चेक करें तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है इस बारे में क्योंकि थोड़ा अपडेट हुआ है। तो आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेक आधार वैलिडिटी। बहुत से लोग हो सकता है यहाँ से देखने लगे वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ से नहीं देखना है। आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एक है चेक आधार वैलिडिटी। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए इंटर आधार नंबर इंटर कैप्चा। तो आपको यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है आपको यहाँ पर वह फिल करने को कह रहा है, और ये जो राइट में आपको कैप्चा दिख रहा है वह आपको यहाँ पर फिल कर देना। चलिए, यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के लिए आप यहां से कैप्चा देखकर, अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता तो आप यहां पर क्लिक करके कैप्चा को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, मैंने यहां कैप्चा चेंज कर लिया। इसके बाद मैं कैप्चा फिल कर दे रहा हूं। यहां पर मैंने कैप्चा फिल कर दिया। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इनवैलिड कैप्चा दिखा रहा है। तो दोस्तों, कैप्चा में कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से कैप्चा फिल कर ले रहा हूँ। कैप्चा फिल कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मेरा आधार है तो यहाँ पर देखिए एज बैंड दिखा रहा है, जेंडर दिखा रहा है, स्टेट आपका दिखा रहा है, मोबाइल आप देख सकते हैं। मोबाइल आपके यहाँ पर पूरा नंबर नहीं दिखेगा, आपको लास्ट की ओनली 3 डिजिट दिखेंगी। जैसे कि देख लीजिए 876, यहाँ पर मेरी 3 डिजिट दिख रही हैं आपकी लास्ट के मोबाइल नंबर की। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स करके। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बना के आपको शेयर करूँगा। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।